So let me tell you what's going on. Hi guys, so it's the day and I'm leaving. I'm packing right now. कल रात भी मैं पैक कर रही थी. मैंने अपना सारा सामान रखा था एज इन सारे कपड़े. तो दिस ब्यूटी, इसको मैं खाली कर रही थी. आई लिटरली शेड टीयर्स. आई वॉज लाइक कि मैंने इतने प्यार से इसको भरा था. बट हाँ, कोई बात नहीं, वी हैव टू मूव ऑन समडे. बट या दैट बींग सेड, कोई रोना धोना नहीं यहाँ पर. मैं ना पैक कर रही हूँ एंड आई वॉन्टेड टू टेक यू गाइज अलॉन्ग विद मी. आई जस्ट शो यू व्हाट आई हैव पैक्ड. अभी तक मैंने क्या क्या चीज़ें निकाल ली अभी, क्योंकि मैंने सिर्फ अपनी ये पैक करी है. इसमें मेरे मेन मेन कपड़े रखे हुए हैं. इतना ज़्यादा एक्सपोज कर रहा है. और मैंने अपना स्किन केयर मेकअप वगैरह वहाँ पे निकाल के रख दिया है. तो लेट मी शो यू. सो आई वाज सेइंग कि प्लीज़ डोंट माइंड दिस मेस. मैं यहाँ से गई भी थी एक हफ्ता से, तो इस वजह से मम्मी ने यहाँ पे ये प्रिंटेड वाली बेडशीट बिछा दी है. वरना यू गाइज नो हाउ मच आई हेट प्रिंटेड बेडशीट्स. और मेरे रूम में कभी भी नहीं होती. मेरे रूम में सिर्फ वाइट बेडशीट होती है या फिर लेमन येलो, पूरी पेस्टल्स बट प्लेन. बट एनीवेज, दैट बीइंग सेड, ये सबको छोड़ो. मेन है ये चीज़ इसके अंदर. अभी मैंने बिल्कुल ऊपर पर रखे हुए हैं अपने एथनिक वाले. नीचे मैंने सारे अपने जीन्स, ट्राउजर्स, क्रॉप टॉप्स, टी शर्ट्स, सब कुछ है इसके अंदर. एंड दिस सूट केस, इट इज़ मैसिव. ये पता नहीं चल रहा बट दिस इज़ फ्रीकिंग मैसिव. सो इसमें मेरे लिटरली सारे कपड़े आ गए हैं. ठीक है, अब मुझे बस थोड़े बहुत जैसे कि टॉवल्स और ये सब अंडरगारमेंट्स, ये सब चीज़ें रखनी है, तो वो आई डू थोड़ी देर में. बट मैंने रात को ये सब सामान भी निकाल लिया था अपना. तो दिस इज़ माई स्किन केयर जो अभी न्यू है, जो आई थिंक मेरे यूज़ में आ जाएगा. सोप्स, आई शेडो पैलेट्स के लिए आई एम टेकिंग ओनली दीज टू. देन मेकअप रिमूवर पैड्स और आई लाइनर, मस्कारा, परफ्यूम्स, मेकअप बेसिक जो लिपस्टिक्स, ब्लशेज, स्पंज, ये और वो, ये जो स्किन केयर मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा बहुत. और मेरा बहुत सारा मेन स्किन केयर जो है वो मेरा फ्रेंड के पास रखा हुआ है, क्योंकि मैं अभी दिल्ली थी तो मैं वहीं छोड़ कर आई हूँ. सो आई विल टेक दैट लेटर. तो मेरा मेन स्किन केयर मेकअप वहीं है. ये जो मैं एक्स्ट्रा और लेकर जा रही हूँ कि अगर मैं वहाँ पर रहूँगी तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी, बट ऑन द गो वाला वहीं पर है. देन आई एम ऑल्सो टेकिंग माई दिस ड्रायर एंड वॉट इज़ दिस स्ट्रेटनर, परफ्यूम. तो मेरे ये वाले हो गए और बॉडी मिस्ट दिस इनटू द बाथ एंड बॉडी वर्क्स का इनटू द नाइट्स आई एम टेकिंग. एंड दिस वन विंटर कैंडल, नहीं विंटर कैंडी एप्पल. देन लेंस सॉल्यूशन, पैंटी लाइनर्स, दीज टू लाइट्स. ये क्या रखा हुआ है, ये पता नहीं कुछ कॉफ़ी वगैरह का कर रखा है मम्मी ने. तो दिस इज़ वॉट आई विल बी टेकिंग विद मी. वॉट एल्स ऑल्सो, प्लीज लुक एट दिस. मेरी वॉर्डरोब कभी भी आपने इस हाल में नहीं देखी होगी. दिस इज़ वॉट माई वॉर्डरोब इज़ लुकिंग लाइक राइट नाउ. एंड लिटरली जब आई सेड कि आई शेड टीयर्स, आई लिटरली डिड, बिकॉज एवरीथिंग इज़ गॉन. ये मैंने थोड़ा बहुत फिर भी यहाँ पे छोड़ दिया. इट वॉज़ वेरी इजी फॉर मी टू लीव थिंग्स ओवर हियर. लाइक कैन यू गाइस सी इधर भी, आई लेफ्ट सो मेनी टी शर्ट्स. इट वॉज सो, सो व्हाट वाज आई सेइंग कि इट वॉज सो इजी फॉर मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम टू लीव माई थिंग्स बिहाइंड, बिकॉज मेरे साथ कभी ऐसे नहीं होता. लाइक इवन इफ आई गो टू अ वेकेशन आई ऑलवेज ओवर पैक. इट्स नॉट इवन अबाउट दैट. जब मैं पहले वाले घर से कॉलेज के लिए जा रही थी, आई टुक लिटरली एवरीथिंग. तो यहाँ पे इट्स सो ईजी फॉर मी टू लीव बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू लीव फ्रॉम हियर, बिकॉज आई हैव सो मच लव फॉर दिस रूम, फॉर दिस होम. I cannot even start with that. It was really hard for me to pack things, even though I know ki I'll be coming back thoda time baad, but then too it was really 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 hard. So I left all of these things. Kal main pack kar rahi thi, matlab bahut cheeze mere ko leke jaani hi padengi. It's not even a choice because it's not about office only. Office hota akela to obviously main thodi kam cheeze leke jaati, but then content creation mera khud ka bhi hai na, to uske liye I need things, I need clothes. So that is why I packed बहुत सारी चीज़ें. बट यहाँ पे जो भी बचा था मैंने थोड़ा बहुत भी सब कुछ ऐसे फैला के रख दिया कि जिससे मेरी वार्डरोब खाली ना लगे. तो या दिस इज़ व्हाट इट्स लुकिंग लाइक. अभी बहुत खाली लग रही है, क्योंकि मेरे को तो ओवर, एकदम जब वो ओवर ऐसे फ्लो रखी होती है ना तब अच्छी लगती है. आई विल बी टेकिंग दीज बैग्स ऑल्सो, सो आई थिंक दिस विल ऑल्सो गेट एम्प्टी. बट इधर का आई डोंट थिंक आई एम गोना टेक एनी थिंग मोर. बस नीचे से आई हैव माई स्कार्फ्स एंड अंडरगारमेंट्स एंड ऑल, सो आई विल बी पैकिंग दैट.
या राइट नाउ दिस इज द सीन. अभी मेरे को ये सब चीज़ें अंदर रखनी है. पहले मेनली अपना स्किन केयर और एक्सेसरीज और मेकअप वगैरह रखना है जो भी है. देन वील सी. और आई ऑल्सो हैव टू पैक माई टॉयलेट्रीज लाइक माई शैम्पू कंडीशनर माई शावर जेल. तो बहुत काम है. और मेरे को ना आज लाइक आई केम बैक इधर. सो लेट मी टेल यू वॉट द सिचुएशन इज. ओके दिस वीक ओनली आई स्टार्टेड विद दिस जॉब एंड आई वॉन्टेड टू सी इफ आई लाइक इट और नॉट. इस वजह से मैं सिर्फ एक हफ्ते का सामान लेके गई थी एंड आई वॉज स्टेइंग विद अ फ्रेंड. ठीक है. तो नाउ आई नो दैट आई लाइक इट एंड आई एम एंजॉइंग देयर अ लॉट. सो आई बी डूइंग इट. आई एम टेकिंग दिस. एंड कल मैंने अपना पीजी भी फाइनल कर दिया है तो वो भी इज डन. नाउ आई एम पैकिंग. कल ही मैं आई हूँ वहाँ से ये सामान लेने के लिए. सो आज पूरा पैक मैंने रात को भी करा. आज भी मैं पूरी पैकिंग करके आई बी लीविंग 3-4 बजे एंड इट्स 11 राइट नाउ. सो आई एम रनिंग सुपर सुपर लेट. तो मुझे सब चीज़ें पैक करके रखनी है मैक्स टू मैक्स 2:30 बजे तक. ढाई भी नहीं, 2 ही मान लो क्योंकि उसके बाद आई हैव टू टेक बाथ एंड ऑल. तो या दैट इज व्हाट्स गोइंग ऑन. लेट्स सी हाउ दैट गोज. मैं बहुत टाइम बाद ऐसे अपने घर से दूर जा रही हूँ इतने लंबे पीरियड के लिए बिकॉज लाइक वेकेशंस और यू नो ट्रिप्स छोटी मोटी तो इधर उधर तो आई यूज्ड टू गो. उसमें तो कोई बात नहीं बिकॉज आई न्यू आई एम कमिंग बैक 2-3 दिन बाद. तो कभी रियलाइज ही नहीं हुआ. बट कॉलेज के लिए जब मैं गई थी पहले इट वॉज ईजी बिकॉज तब आई वॉज सो डन विद मेरठ एंड माई लाइफ एट दैट टाइम. आई वॉन्टेड टू गेट आउट. इस वजह से आई डिड नॉट टेक अ ड्रॉप ईयर. तो आई वॉन्टेड टू मूव आउट. इसलिए आई डिड नॉट रियलाइज वॉट आई एम लीविंग बिहाइंड. बट दिस टाइम आई थिंक आई एम नॉट रेडी येट. और वॉट शुड आई से मे बी आई एम वेरी कम्फर्टेबल एट वॉट आई एम डूइंग राइट नाउ. एंड आई थिंक बींग कम्फर्टेबल इज नॉट अ गुड थिंग वेन इट कम्स टू योर करियर. सो वेन एवर यू फील दैट यू आर कम्फर्टेबल दैट्स योर साइन टू मूव ऑन टू मूव फॉरवर्ड डू समथिंग बेटर. सो या दैट्स वॉट आई एम डूइंग. I think this is going to contribute with my career and with my content creation itself. Let's see how that goes. My life will be a little more happening, I guess. You will see a lot more vlogs from office. And yeah, that is it. Now I have to pack. Please, I'm done with all this conversation now. Yup. Let's start with the packing. Hi guys, so I'm finally in my PG and I know I look pathetic, like let's not even start with that, but I'm finally here. I'm done with all the paperwork and all the payments. Let me just give you a small room tour. Okay, so this is how it looks bahar se and then this is how you enter. It's a triple sharing room. This is what it looks like. यहाँ पे ये एंटर करते थोड़ी सी जो भी है यहाँ पे ड्रामा बना हुआ है ये. ठीक है. उसके बाद ये टेबल चेयर यहाँ रखी थी बट मैंने अभी हटवा दिया है. सो दिस लेट मी शो यू द रूम. ओके सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. मैं धीरे धीरे देती हूँ. सो हियर इज़ द पेंटिंग. देन वी हैव दिस टेबल एंड चेयर. यहाँ पे 3 टेबल चेयर्स लगेंगी पूरे रूम में. अभी सिर्फ मेरी आई हुई है. ये दोनों बाद में आएंगी. देन हियर वी हैव द स्मॉल विंडो. देन द एसी एंड 2 beds over here. Then this is mine and here we have this counter as well. I really don't know if they wanted to make this PG या फिर इन्होंने कुछ अपना ही बनाया था उसके बाद convert कर दिया because it looks like a bar situation right here. But yeah, I kind of like it. So this is what this one looks like. And the room is massive by the way. And then we also have a really beautiful balcony. So let me show you that as well. So this is what the balcony looks like. It's really pretty and I love how it looks. It's really nice, really pretty.
and this is the view, so beautiful. I love the floors as well, and even these, whatever. Okay, then we have this cupboard over here. Yahan pe again teen cupboard aayenge is pure room mein, sirf meri abhi aayi hui hai. So this is what the cupboard is looking like. Oh, it's nice, like size ke hisab se I think it's fine. It smells though. तो ये कबर्ड है, यहाँ पे इन्होंने लॉकर दे रखा है, ये दे रखा है, शू रैक भी है नीचे थोड़ी छोटी सी. तो आई थिंक दैट विल कम हैंडी. एंड हियर इज ऑल माई लगेज. एंड देन वी हैव बाथरूम ओवर हियर. इट्स नॉट वेरी बिग, सो लेट्स स्किप दैट. सो या, दिस इज व्हाट द रूम लुक्स लाइक. इट्स नाइस, आई रियली लाइक्ड इट, इस वजह से मैंने लिया है. ओके, सो आई नो आई एम स्वेटिंग लाइक अ पिग. आई नो बिकॉज मेरे को एसी का भी रिमोट नहीं मिला है और मैंने अभी बहुत भाग दौड़ करी है. तो ये सब हो गया, आई जस्ट सेटल डाउन अ बिट. यहाँ पे मैं बेडशीट बिछाती हूँ, थोड़ा अपना सामान अनपैक करती हूँ जिससे मैं कल जा सकूँ ऑफिस. ओ गॉड, ऑल्सो आई एम सो फ्रिकिंग स्केयर्ड राइट नाउ. मतलब बहुत नया एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा हो रहा है कि मुझे वापस जाना है. बट आई एम होल्डिंग माई सेल्फ बिकॉज वी गॉट इट. चलो आई डू सम स्टफ एंड आई विल बी राइट बैक. इट इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग एंड मैं रात को भी थोड़ी देर ही सोई थी, अभी भी मैं जल्दी उठ गई हूँ 6:15. बट आई थिंक इट्स नाइस बिकॉज पहला दिन है यहाँ पर, तो मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा सेटल होने में, चीज़ों से यूज टू होने में. सो आई जस्ट गेट रेडी. ऑल्सो मैंने सोचा है कि मैं वो करूँगी अपना आउटफिट रिकॉर्ड करूँगी रील के लिए, बिकॉज नाउ आई हैव टू मैनेज थिंग्स. सो या, अभी मैं उठी हूँ, आई जस्ट डिसाइड कि मैं क्या पहनती हूँ और फिर आई जस्ट टेक शावर. लेट्स सी हाउ दैट गोज. अभी तो मैं बालकनी में खड़ी हूँ एंड इट लुक्स सो फ्रिकिंग प्रिटी लाइक सीरियसली. बट बस एक चीज़ की दिक्कत है कि यहाँ पर धूप नहीं आ रही है. धूप आई गेस क्योंकि ये वेस्ट फेसिंग है, शायद वेस्ट नहीं तो फिर नॉर्थ है, जो भी है. Hi guys, so it's Wednesday today. I came here on Sunday. Sunday की शाम को ही मैं पहुँची थी, मैंने शायद थोड़ा बहुत दिखाया भी था. But हाँ, now I did not get any time to vlog, इसलिए मैं दो दिन से vlog नहीं कर पा रही. But today is Bollywood day in our office, और मैंने बोला था Bollywood day करने के लिए and I'm regretting it so much, क्योंकि अभी तक I really don't know what to wear and कि क्या कैरेक्टर बनूँ. लाइक कैरेक्टर हो जाए तो फिर भी मैं आउटफिट कर लूँ डिसाइड, बट कैरेक्टर भी नहीं हुआ. आई एंड कुहुक वर ब्रेन स्टॉमिंग कल रात तक, बट वी डिड नॉट गेट एनी आइडियाज़. थोड़े बहुत इधर उधर थे बट दे वर लाइक ओकेश. सो आई हैव कुहुक ने सबसे पहले मेरे को एक ही चीज़ सजेस्ट करी थी, एज एल ए मुश्किल की अलीज़ा. इज़ इट अलीज़ा और अलीज़ा वट एवर. तो वो मेरे दिमाग में रहा था थोड़ी देर तक. तो आई थिंक आई बी गोइंग विद दैट ओनली, कुर्ती विद जीन्स एंड बूट्स विद सम सिल्वर ज्वेलरी. आई थिंक दैट विल लुक रियली नाइस. आई वाज सेइंग कि ज़्यादा तो मैं व्लॉग और वीडियोस वगैरह नहीं बनाऊंगी ऑफिस की, बिकॉज आई वुड लाइक टू कीप दैट थोड़ा सा प्राइवेट. भाई इसकी एसी की हवा जा कर रही है. इट्स माई सनस्क्रीन. चलो आई विल गेट रेडी एंड आई विल बी राइट बैक. Hi guys, so I know I look a little distorted, not a little but a lot, koi baat nahi. So I finally have some time in my hands to let you know what's happening. Now aaj weekend hai, weekend off tha, so मैं इधर आके बात कर पा रही हूँ. एक हफ्ते से मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला. मैं सुबह उठती हूँ, तैयार होती हूँ, जाती हूँ ऑफिस एंड बाई द एंड ऑफ इट आई फील सो tired that I don't have any choice but to sleep. Like I eat and then I sleep. तो वही schedule चल रहा है इतने दिनों से, एक हफ्ते से, इसलिए I'm not able to record something or you know vlog something. That being said, now that weekend is here, मैं आज अच्छे से अपना पूरा schedule plan करूँगी, wherein I'll also write कि how I'm going to manage my content creation thing अलग से with office and with other 10 million things. So yes, today is that day.
ऑल्सो इट्स सैटरडे तो आई बी अपलोडिंग दिस वीडियो वेर इन यू ऑल विल गेट टू नो कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ. मैंने बहुत हाइप बना दिया अपना इंस्टाग्राम पे. इट्स नॉट दैट आई वॉन्टेड टू बट आई वॉजेंट पोस्टिंग एनी थिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड आई नो यू गाइज वर वंडरिंग कि वॉट हैज हैपेंड एक्चुअली बिकॉज अ लॉट ऑफ यू मैसेज्ड मी इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट एंड स्टफ लाइक दैट. सो या आई वॉन्टेड टू गिव यू एन अपडेट और इंस्टाग्राम पे मैं ऐसे बस बताना नहीं चाहती थी. मैंने सोचा कि प्रॉपर YouTube वीडियो बनाती हूँ वेर एन आई टेल यू एवरीथिंग एंड या अभी बैठिए आई विल एडिट दिस वीडियो फर्स्ट अपलोड दिस लाइक स्केड्यूल दिस फॉर 6 PM देन आई ऑल्सो मेक माई स्केड्यूल वाला पूरा जो भी चीज़ होती है. अभी तो आई एम एट माई फ्रेंड्स प्लेस तो इस वजह से सब यू आर सीइंग. आई एम ऑल्सो डन सेटिंग अप माई रूम अच्छे से. सो वंस आई एम बैक देयर आई विल गिव यू अ रूम टूर और वार्डरोब वगैरह वगैरह. वार्डरोब से लिटरली सामान बाहर आ रहा है बिकॉज इट्स नॉट इनफ. वो मैंने बता दिया ऑलरेडी बट चलो कोई बात नहीं. सो आई विल गिव यू अ प्रॉपर टूर क्योंकि जब मैं आई थी तब रात हो रही थी आई फील और वो बहुत ही ग्रेनी फुटेज होगा. जो भी होगा मैं डाल दूंगी बट नेक्स्ट वीडियो में आई विल 100% शो यू व्हाट इट लुक्स लाइक. इट्स रियली प्रिटी. आई ऑल्सो लव माय बालकनी. लाइक इफ यू हैव सीन माय लास्ट रील ऑन माय इंस्टाग्राम यू वुड नो हाउ ब्यूटिफुल इट इज. तो आई एम सो एक्साइटेड टू क्रिएट कॉन्टेंट ओवर देयर एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई रियली होप यू गाइज इंजॉयड इट. आई नो आई बीन वेरी इनएक्टिव. यूट्यूब पे आई यूज टू पोस्ट टू वीडियोज बट देन धीरे बाद में आई डिड वन वीडियो और उसकी वजह से मेरे को लग रहा है कि मैं यूट्यूब पे पोस्ट कर ही नहीं पा रही हूँ. तो ऑब्वियसली वन वीडियो ही रहेगा क्योंकि अब तो आई डोंट इवन हैव टाइम दो बनाने के लिए. बट या आई बी मोर एक्टिव हियर विद मोर शॉर्ट्स एंड मोर रील्स ऑन माई इंस्टाग्राम. आई स्टार्ट मैनेजिंग थिंग्स प्रॉपरली. अभी मुझे थोड़ा सेटल होने में टाइम लग रहा है. आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड एंड आई होप यू विल स्टिक बाय एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई रियली होप यू गाइज इंजॉयड इट. इफ यू डिड देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट. यू नो द ड्रिल एंड आई विल मीट यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून. अंटिल देन गुड बाय.